हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस की रॉ की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। क्या कल की रॉ में रोमन रेंस बचाएंगे अपने ब्रदर सेथ रॉलिंस को? ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रोंडा राउजी ने रेसलमेनिया के बाद से एक भी अपीयरेंस नहीं किया है उनका WWE टेलीविजन पर। एंड रिसेंटली उन्हें काफी ग्रूसम इंजरी भी हुई थी उनके फिंगर में, और र्यूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रोंडा राउजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अब जब फॉक्स नजदीक आ रहा है तो WWE को चाहिए कि रोंडा राउजी जैसी मेगा स्टार आ जाए वापस WWE में। इस पर डेव मेल्सर ऑफ रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने कहा कि WWE को रोंडा राउजी वन ऑफ अपीयरेंस के लिए नहीं चाहिए ऑन WWE टेलीविजन। अगर WWE रोंडा राउजी को वापस ला रहे हैं तो फिर उसे एक फ्यूड भी सेटअप हो जाएगी और फिर एक हमें मैच भी देखने मिल सकती है रोंडा राउजी की। अब हमें ये देखना है कि रोंडा राउजी कब अपना रिटर्न करती है WWE में। इंटरनल बिलीफ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रोंडा राउजी जब रिटर्न करेंगी तब उनको गोल्डबर्ग की तरह बुक किया जाएगा। जैसे गोल्डबर्ग स्पेशल अट्रैक्शन है और काफी कम डेट्स करते हैं, वैसा ही रोंडा राउजी को यूज किया जाएगा। ये काफी अच्छा मूव है बाय WWE। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी से। मार्क हेनरी रिटायर हो चुके थे इन रिंग कॉम्पिटिशन से और अक्टूबर 2017, बट ये काफी पॉसिबल है कि वो अपना कमबैक कर सकते हैं इन द रेसलिंग रिंग। रेसलिंग INC से इंटरव्यू देते वक्त मार्क हेनरी ने रिवील किया कि उन्हें क्या चीज वापस बुला सकती है WWE रिंग में। मार्क हेनरी ने कहा कि मैं तो ना बोलूंगा रेसल करने के लिए, पर मेरी वाइफ हाँ बोलेगी कि तुम रेसल करो। अगर आप मुझे अच्छे पैसे देते हो रेसल करने के लिए तो मैं आ सकता हूँ एक मैच के लिए। हमें बिल्स भी पे करने होते हैं। मार्क हेनरी रिसेंटली देख रहे होंगे कि कैसे गोल्डबर्ग और बाकी के लेजेंड्स पार्ट टाइम अपीयरेंस करके काफी पैसे कमा रहे हैं, और इसलिए शायद मार्क हेनरी को भी लगा होगा कि वो वन ऑफ मैच करेंगे और शॉर्ट मैच करेंगे और वो पैसा लेके जाएंगे WWE से। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या विंस मैकमैन उन्हें बुक करते हैं आगे किसी मैच में या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के रॉ की शुरुआत हो सकती है एक बहुत बड़े सेगमेंट से। ब्रैड शेफर्ड ने रिपोर्ट दिया है कि कल के रॉ का ओपनिंग सेगमेंट हो सकता है सेथ रॉलिंस ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द OC का। तो दोस्तों, कल के रॉ में हमें मे बी एक रीमैच देखने मिलेगी फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस द OC। एंड सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की वजह से वो ये मैच हार जाएंगे, और फिर इस मैच का पूरा गुस्सा निकालेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑन सेथ रॉलिंस, और ऐसे करेंगे अपना हील टर्न। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर OC भी अटैक कर सकते हैं सेथ रॉलिंस पर। अब दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि रोमन रेंस फिलहाल इन्वॉल्वड है इन अ बिग स्टोरी लाइन, बट लास्ट वीक के रॉ में उन्होंने एक ऐसी मैच कर दी थी जो थी डॉल्फ ज़िगलर के साथ, जहां पर वो विक्टोरियस रहे थे। इसलिए काफी स्पेकुलेशन ये किया जा रहा है कि क्या रोमन रेंस बचाएंगे सेथ रॉलिंस को फ्रॉम ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द OC टीम। दोस्तों, इसके चांसेस काफी कम है क्योंकि WWE रोमन रेंस को इस स्टोरी लाइन में नहीं डाल सकते जबकि वो एक बड़े स्टोरी लाइन में ऑलरेडी इन्वॉल्वड है। पर दोस्तों, अगर विंस मैकमैन ने एंड पॉल हेमन ने चाहा तो फिर वो रोमन रेंस को ला सकते हैं सेथ रॉलिंस को बचाने। एंड देन हमें एक टैग टीम मैच भी देखने मिल सकती है रोमन रेंस से सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द OC के बीच। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि WWE क्या प्लान करते हैं रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के लिए कल की रॉ में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का हील टर्न कल के रॉ में ही देखने मिलेगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन का हील टर्न होगा कल की रॉ में, एंड सेकेंड, क्या आप चाहते हैं कि रोमन रेंस आए बचाने सेथ रॉलिंस को? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।